बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आज आपने मुझे प्रेसिडेंशियल स्पीच के मुताबिक आज आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया, क्योंकि ये अरसा दराज से हाउस की कार्रवाई तो चल रही है। जब आपका इंतखाब हुआ, स्पीकर साहब का इंतखाब हुआ, हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपको उस वक़्त मुबारकबाद पेश करते, लेकिन क्योंकि मौका ना मिल सका तो मैं आपको और स्पीकर साहब को, जुनेद अकबर साहब को, आमद डोगर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस हाउस में इस कार्रवाई में हिस्सा लेकर आपको डिप्टी स्पीकर और अयाज सादिक साहब को स्पीकर बनाया। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने हलका की आवाम का बेहद मशकूर हूं, मैं अपने लीडर इमरान खान साहब का बेहद मशकूर हूं, मैं अपने हलका की सोशल मीडिया टीम का बेहद मशकूर हूं, मैं अपनी फैमिली का बेहद मशकूर हूं कि 9.5 मई के बाद जो हालात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए पैदा किए गए, जिन हालात में हमें इलेक्शन लड़ने को कहा गया, पुलिस गर्दी, जुल्म और जबर, हमारे निशाना छीने गए, हमारे घरों पर पुलिस भेजी गई, हमारी फैमिलीज को हरासा किया गया, हमारे वोटर्स को तशद्दुद किया गया, सरकारी मशीनरी जो है वो पूरी की पूरी हमारे मुखालिफ कैंडिडेट्स की कंपेन करती नजर आई, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की अवाम ने बहुत अच्छे अंदाज से हमारे निशानात को ढूंढकर हमें वोट देकर इस ईवान का हिस्सा बनाया। जनाब स्पीकर, ये पांचवा हाउस है जिसमें मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, 3 बार मुंतखब हुआ हूं इस हाउस में। मैंने देखा कि यह हर लीडर की ख्वाहिश होती है कि उसके बयानिए को, उसकी सोच को, उसकी फिक्र को वोट पड़े। यह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की भी ख्वाहिश थी, यह नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अगर कामयाब हुआ है तो इमरान खान कामयाब हुआ है। वो शख्स जेल में है, पाबंदे सलासल है, उसके ये जितने भी यहां तशरीफ फरमा है, ये सब के सब 9 मई के डसे हुए हैं और 9 फरवरी को ये जीतकर इस ईवान का हिस्सा बने हैं। ये इमरान खान साहब की जो सोच थी, जो फिक्र थी, ये वोट उसको पड़ा है। जनाब स्पीकर, बातें तो सबने बहुत की, आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी जानते हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि बैगर्स कैंट बी चूजर्स का लफ्जी माना क्या है? कोई यहां पर बताएगा कि बैगर्स कैंट बी चूजर्स? कैन नॉट बी चूजर, कैंट बी चूजर, कैन नॉट बी, एक ही बात हो गई। इसका मतलब है कि भिखारी चुनने वाले नहीं हो सकते, और यह किसने कहा? शहबाज शरीफ ने कहा। कोई अफसोस के पूरी कौम को भिखारी कहने वाला आज हमारा वजीर आजम है, पूरी कौम का भिखारी कहने वाला। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि उस भिखारी वजीर आजम के दाएं और बाएं जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात है। मैं हैरान हूं, ये फाउंडर्स कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये अपने आप को चैंपियन समझते हैं, और ये भिखारी वजीर आजम के साथ यहां पर बैठकर हुकूमत करके और हमें दर्स देते हैं कि आए हम आपको सबक सिखाएं या आए हम आपको आगे की तरफ लेकर चलें। जनाब स्पीकर साहब, ये स्पीच है जरदारी साहब की, हमारी जुबान उर्दू, हमारा कौमी जुबान उर्दू। मैं हैरान हूं जरदारी साहब का इंग्लिश स्पीच से जाए क्या, ताल्लुक क्या है, क्यों नहीं ये स्पीच उर्दू में की गई, क्यों नहीं पूरी कौम को बताया गया कि हम क्या चाहते हैं? ये सिर्फ इंग्लिश स्पीच करके पूरी पाकिस्तान अवाम को गुमराह किया गया। सेंस क्रिएट कर लें, सेंस क्रिएट कर लें। 2002 से लेकर आज तक
मैं यही देखता आ रहा हूं कि जी सेंस क्रिएट कर लें, हाउस को आगे चलें, जमहूरियत को परवान चढ़ाएं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है जनाब स्पीकर। सब अपने दाव पेज पर बैठे हुए, मजाक बना दिया इस ईवान को जनाब स्पीकर। ये ईवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। यहां पर पंजाब असेंबली का आइन टूटा, यहां पर केपीके का आइन टूटा, और आइन तोड़ने के बाद ये असेंबली फॉर्म 47 चोरी कर तशरीफ फरमा है, और ये कहते हैं कि हम हाउस को आगे लेकर चलेंगे। नैब तरमीम, नैब तरमीम एक भयानक भयानक जो है हिस्सा है उस 16 माह की जमात का जो यहां पर इन लोगों ने किया। और आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि 16 मई को इमरान खान साहब को प्रोसीडिंग में शामिल किया जाए, तो अब गवर्नमेंट की कांपे टांग रही हैं, परेशान है कल से कि इमरान खान साहब की प्रोसीडिंग को दिखाना है कि नहीं दिखाना। ये जो कट है जनाब स्पीकर हुकूमत का, ये इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। यही इलेक्शन है, जब इलेक्शन आया था ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, 16 माह पहले ये इकट्ठे थे, उसके बाद ये फिर यहां पर आए। अच्छा तनोली बहन साहबा, आप बड़े नेक पारसा हैं, हमें माफ कर दें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब पता है हमें आपका, जनाब स्पीकर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं मुख्तसरन बात करना चाहूंगा। स्पीच हुई, सेंस क्रिएट कर लें, बेहतर होता कि इस स्पीच में कराची को भी डिस्कस कर लिया जाता, कराची के हालात को भी डिस्कस कर लिया जाता। आप टीवी पे देखें, आप सड़क पर निकल नहीं सकते, आपके हाथ में एक अच्छा मोबाइल हो, आते हैं मोबाइल छीनते हैं, गोली मारते हैं, चले जाते हैं। जनाब स्पीकर कौन सी ऐसी सहूलत है जो कि पुलिस को नहीं दी गई, उसके बावजूद भी अगर कराची में ये फेलियर है तो क्यों है? कच्चे के डाकू दे दे के पैसा थक गए हैं, पुलिस को दे दे के एमिनेशन थक गए, कच्चे के डाकू नहीं काबू हो रहे। सदर साहब को चाहिए था कि कराची के अमनो आमा, सदर साहब को चाहिए था कि यहां पर जो कच्चे के डाकू हैं, अब तो हालात ऐसे हैं जनाब स्पीकर, मैं फैसलाबाद में मेरे हलके में गुज़िश्ता हफ्ते में 4 से 5 बच्चे कत्ल कर दिए गए सिर्फ स्नैचिंग के नाम पर, और पुलिस तमाशा ही बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ऐसे हालात यहां पर, अगर आप किसान की बात कर लें, किसान को आपने रोंद के रख दिया है, गंदम मिडलमैन खरीद रहा है, कल जो है ये डाका किसान की जो गंदम के ऊपर डाला गया है, इसका जवाब दे कौन है? हमारे किसी मजदूर को कोई तहफ़ नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता कोई मजदूर हमारा काम करते वफात पा जाए या कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, वेलफेयर फंड देने के लिए तैयारी कोई नहीं है। आप ऐसा करें जनाब स्पीकर, पिछले 16 माह की हुकूमत में कितने क्लैशन कोफ थे, लाइसेंस जो हैं वजीर दाखला ने इश्यूज किए, कभी उसका रिकॉर्ड लेकर आप इस ईवान में आए तो आप आपका सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आपने पूरी कौम से पेन और कागज छीन लिया है, और आपने क्लैशन कोफ कल्चर को प्रमोट कर दिया है, और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में अमन अमान लेकर आए। कौन पाकिस्तान में अमन अमान लेकर आएगा? कोई पाकिस्तान में अमन अमान नहीं लेकर आएगा। ये 9 मई के बेनिफिशरीज ये नून लीग वाले हैं, आज भी बात कर 9 मई 9 मई 9 मई, इनको दूसरा टॉपिक ही नहीं आता। कश्मीर में क्या हुआ, मैं हैरान हूं कि ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में एक जत्था, टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि कश्मीर का एक जत्था उठा और उस जत्थे ने उठकर जो है वो काबू पा लिया और हुकूमत बेबस हो गई और 3 रुपए यूनिट देने पर आ गई। जनाब स्पीकर कल पंजाब उठ के खड़ा हो गया, सिंध उठ के खड़ा हो गया, बलूचिस्तान उठ के खड़ा हो गया, केपी के उठ के खड़ा हो गया, और फिर आप कहेंगे ये जत्था उठकर हमारे गिरेबान को हाथ डाल रहा है। फिर हमारा भी हक बनता है 3 रुपए यूनिट, हमारा भी 5 रुपए यूनिट। यहां तो इन्होंने हुकूमत लेने से पहले हमें बातें सुनाते, हमें ये बताया कि 300 यूनिट फ्री करने के वादे नहीं किए इन लोगों ने, कहां गए वो वादे? कोई वादा इन लोगों ने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जनाब स्पीकर
इस हाउस को चलाना है, ये कहते मुफाहमत, हम कहते मुफाहमत नहीं, आप आइन की बात कर लें, आप आइन की रूह से आ जाए, हमसे बातचीत कर लें, आइन पर आ जाए। अगर आप आइन पे आएंगे ये हाउस भी चल जाएगा, अपोजिशन भी अपना काम करेगी, गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकेगी। अगर ये आइन से हटेंगे तो मैं समझता हूं कि ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, यहां पर मैं एक और निशानदेही करना चाहता हूं कि सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पिछले हुकूमत ने यहां पर लेजिस्लेशन की, 7 आपकी मुनाफा बख्श कंपनीज, 7 मुनाफा बख्श कंपनीज जो है वो आपने उनको उनके हवाले कर दी, जबकि आपकी एक मीटिंग नहीं हुई और 100 खरब रुपए का आपने पाकिस्तान कौम को चूना लगा दिया। अगर वही 100 खरब रुपया आप लोगों ने इस्तेमाल किया होता अपने इस कर्जा जात में, तो आज शायद हो सकता है कि पाकिस्तान जो है इसका मुतम्मल हो जाता कि आपको कर्जों से निजात मिल जाती। जनाब स्पीकर मुझे एक मिनट दे दे, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बोले, बोले। मैं जनाब स्पीकर साहब, यहां पर बात कही गई वोट को इज्जत दो। जनाब स्पीकर साहब, नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए को तो हमारे मलकू सिंगर ने ठोक कर रख दिया था। मलकू उठा, उसने नकदा कोका गा के कैदी नंबर 804 का जिक्र किया, नवाज शरीफ का बयानिया दफन। और आलम यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का पंजाब में नामो निशान दफन होकर रह गया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह पंजाब में हम दफन करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला दफन करके दिखाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, यहां पर हमें कल कहा गया कुरान उठाओ कि हम मोहब्बे वतन है कि नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब मेरे भाई है, हनीफ अब्बासी साहब और काकर साहब दोनों उठाए ना कुरान के, वो बताएं कि वो गंदम के चोर हैं या ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, कौन है, ये अपना फैसला कर लें। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, यहां पर वाइंड अप करें प्लीज सर, आखिरी एक मिनट में सर, बस हो गया अभी। अच्छा चले, मैं वाइंड अप एक शेर के साथ कर देता हूँ। चले, आपने उन्हें अपना कहा है कि जी वो उन्होंने 10 मिनट लिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। जनाब स्पीकर साहब, इस दोनों तरफ से एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम लोगों ने पाकिस्तान को डिलीवर ना किया, हम लोगों ने हकायक को छुपा कर अपने मकासद को इस्तेमाल किया, तो खुदा की कसम पाकिस्तान की अवाम हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं जनाब स्पीकर साहब एक अलामा इकबाल साहब का शेर पढ़ना चाहूंगा, मोमन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। आज यकीन करें हम अपना इकबाल खोकर बैठे हुए हैं। मैं हुकूमत से कहता हूं कि आप उस दिन से डरो कि जो जुल्म और जबर आप अवाम के साथ ताकत के साथ कर रहे हो, ऐसा ना हो कि अवाम उठ खड़ी हो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बात से खौफजदा है कि अगर अवाम उठ के, शुक्रिया, बस अब मतलब हो गया, खोले माइक, खोले सर, वाइंड अप कर देता हूँ, वाइंड अप कर देता हूँ। अगर पाकिस्तान की अवाम उठ खड़ी हुई तो यकीन करें कि हम मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आखिर में आखिरी जनाब मुस्तफा कमाल साहब, साढ़े 13 मिनट आप बोले हैं और एक एक सेकंड आप मुस्तफा साहब, एक सेकंड के लिए जी, माइक खोले, माइक खोले प्लीज, वाइंड अप सर, नो दिस इज नॉट फेयर, माइक खोले। मैं सिर्फ 5 सेकंड में अपने बुजुर्ग का नाम लेना भूल गया हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जड साहब को, कि जिनकी वजह से आज मैं इस ईवान में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुस्तफा कमाल साहब, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी।